तो यहाँ पर मैंने दूध और अंडे से नाश्ता और लाजवाब नाश्ता बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सामग्री लगेगा। दूध और अंडे से हम लाजवाब नाश्ता बनाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिया है, एक कटोरे में दूध लिया है दोस्तों, और यहाँ पर दूसरे कटोरे में मैंने लिया है दो अंडे लिए हैं। तो सबसे पहले हम अंडे का वो तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम अंडा को इस तरह से फोड़ कर बॉल में ले लेंगे। अंडा तो मैंने यहाँ पर दो फोड़ के डाल दिया है। अब इसमें हम एक प्याज डाल देते हैं, साथ में ये हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा बड़ा काटे हूँ दोस्तों, इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स तीखी वाली आधा चम्मच, और यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा चम्मच साबुत जीरा। मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए हैं दोस्तों तीखे वाले, अब इसके जगह काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। अब हम बैटर को इसको मिला लेते हैं, अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये बैटर मैंने तैयार कर लिया दोस्तों, अब इसको हम साइड में रख देते हैं। और इधर मैंने एक बॉल लिया है खाली, और साथ मैंने दूध आपको दूध दिखाया था, और इधर मैंने मैदा लिया है। अब मैदा की जगह आप आटा भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सारा मैदा, यहाँ पर तीन चम्मच होगा बड़ी चम्मच से, तो इसमें हम सारा ट्रांसफर कर देते हैं। इसका एक मैं मैदा और दूध से एक बैटर बना रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। तो कुल दूध इतना लगा दोस्तों, ये देखिए इतना बच गया है। तो हमें कुछ इस तरह इसका बैटर तैयार करना है। ये देखिए, ये अंडे का जो मैंने बैटर तैयार किया है दोस्तों, तो अब ये जो दूध और मैदा का जो मैंने घोल तैयार किया है बैटर आने, अब इसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं अंडे वाले में। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं दोनों को, ये अंडे और ये दूध और मैदा का घोल, अच्छे से इसका एक फाइन बैटर तैयार कर लेंगे दोनों को अच्छे से मिक्स करके। तो इधर तवा गर्म हो गया है दोस्तों, तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तो तवे में हम एक चम्मच तेल डाल रहे हैं, अब इसको अच्छे से हम फैला लेंगे। तो तेल गर्म हो गया है, हम इसको अच्छे से तवे में फैला देते हैं कच्छे के मदद से। तो गैस को मैंने यहाँ पर दिया है अभी बंद कर दिया है, क्योंकि हमारा तवा काफी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम बैटर डाल देते हैं। सारा बैटर डाल देते हैं यहाँ पर हम, और चम्मच से ही हम फैला लेंगे इस तरह से। इसको हम दो मिनट के लिए मीडियम कम आंच में हम अच्छे से पका लेंगे एक साइड से। तो इधर देखिए दोस्तों, साइड साइड से कैसे इस तरह से पक गया है हल्का हल्का। तो हम इस तरह से साइड से हटा लेंगे कच्छे से, उसके बाद हम पलटेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा, मतलब ये पलट गया और बहुत अच्छे तरीके से एक साइड से पका है ये। तो ये दूसरे तरफ से भी बहुत अच्छे से पक गया है दोस्तों, इसको बिल्कुल कम आंच में मैं पकाई हूँ। तो ये हमारा नाश्ता बनकर के रेडी हो गया दोस्तों, अब हम इसको निकाल लेते हैं इधर अलग प्लेट में। नाश्ता मेरा बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो मेरा ये नाश्ता बन करके रेडी हो गया दोस्तों, आप इसको चटनी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता खाने में, दूध और अंडा से बनाई हूँ मैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।